टेलीविजन इंजीनियरिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एंटीना के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ये सेमेस्टर एग्जाम में हमेशा 6 नंबर में या 4 नंबर में आपको आता है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन क्या डिटेल पूरा लिखने को आता है। तो कौन सा एंटीना है, तो यागी एंटीना है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यागी उडा एंटीना के नाम से। तो चलिए ये यागी एंटीना के बारे में हम लोग जाने। तो देखिए ये जो फिगर है आपका, आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, जो हमारा पहले वाला एंटीना होता था वो यही एंटीना होता था, यागी एंटीना। इसमें देखिए 2-3 पार्ट हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे 1 2 3 4 5, ये जो है ये एरे कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग लीनियर एरे एंटीना के नाम से भी जानते हैं, ये लीनियर एरे एंटीना, ये सारा हमारा क्या कहलाता है, तो एरे कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक जो होता है, एक के एरे को क्या दिया जाता है, तो सिग्नल दिया जाता है, मतलब कि उसको सोर्स दिया जाता है, उससे ऐड किया जाता है, और उसके बाद उसे सोर्स के मदद से उस वाले एरे में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके अगल बगल वाले जितने भी एरे हैं वो क्या होते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण से वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से इसे एंटीना के मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, तो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये आपका क्या काम करता है, और सेम टू सेम जब रिसीव करने का काम करेगा तो रिसीव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इस तरह से इसके मदद से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये जो आपका रिफ्लेक्टर है ये रिफ्लेक्टर कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, तो ड्रिवेन एरे कहलाता है। और इसके बाद जो भी बच जाता है उसको हम लोग पारासिटिक एरे के नाम से जानते हैं, पारासिटिक एरे, या फिर इसी को हम लोग डायरेक्शनल एरे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहला जैसे ये हो गया आपका रिफ्लेक्टर, ये हो गया कि आपका एक्टिव एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइमरी एंटीना के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी एंटीना क्यों कहते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें देखिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला एरे है ये क्या होता है, तो इस वाले एरे से ये जो एक्टिव एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है, जो हमारा एरे जिसको हम लोग ड्रिवेन एरे कह रहे हैं, तो इससे ये क्या होता है, बड़ा होता है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और ये इसके पहले लगा होता है, मतलब कि ड्रिवन एरे के पहले ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद रहता है हमारा क्या, तो ये ड्रिवन एरे रहता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसी को हम लोग कनेक्ट करते हैं सोर्स के साथ, इसी के साथ सोर्स का कनेक्शन किया जाता है, और जिसके कारण सोर्स में क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होता है, और इसमें जेनरेट होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो ये म्यूचुअली इंडक्शन के कारण से इधर वाले एरे में भी फैल जाता है और इस एरे में भी फैल जाता है। तो और बाकी जो रिमेनिंग जो एरे बचते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, तो पारासिटिक एरे कहलाता है, इसको हम लोग डायरेक्शनल एरे भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग सिग्नल को सेंड कर पाते हैं, ट्रांसमिट कर पाते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कर पा कहते हैं, तो डायरेक्शनल एरे के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला हमारा ये आइए जानते हैं ड्रिवेन एरे के बारे में। देखिए इस एंटीना का जो ड्राइवर है, कहने का मतलब इस एंटीना का जो मेन है, जिसके मदद से ये एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कन्वर्ट कर पाता है, वो कौन सा है, तो आपका ये यही एलिमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ड्रिवेन एलिमेंट। जिस वाले एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, किसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिवेन एलिमेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसी एरे के मदद से और भी सारे एरे वर्क कर रहे हैं। कैसे, तो देखिए हम इस ड्रिवेन वाले में सोर्स ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट हो रहा है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये भी म्यूचुअली इंडक्शन के कारण से ये इसमें आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इधर वाले सिग्नल में भी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण से आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ड्राइवर करने का कौन काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग ड्रिवेन एरे के नाम से जानते हैं। देखिए इसको कनेक्ट करते हैं सोर्स के साथ, उसके बाद इसके द्वारा जेनरेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये पर्टिकुलर जो भी एरे हैं वो क्या होते हैं, म्यूचुअली इंडक्शन के कारण से इंड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है।
इसी एरे को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। एक्टिव एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सोर्स जेनरेट करने का काम कर रहा है। कैसे, इसको सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट कह रहे हैं। और इसी को हम लोग प्राइमरी एंटीना कह रहे हैं। प्राइमरी एंटीना क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसी वाले सेक्शन के द्वारा हमारा क्या हो रहा है, तो सिग्नल को जेनरेट किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी एंटीना कहते हैं। और बाकी रिमेनिंग को हम लोग सेकेंडरी एंटीना के नाम से जानते हैं। इसी एंटीना में हम कह सकते हैं कि इसका दो पार्ट है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी कौन है, तो जिससे सोर्स को कनेक्ट किया जा रहा है, ये ड्रिवन एलिमेंट, ड्रिवन एरे, एक्टिव एलिमेंट, इसी का नाम है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइमरी एंटीना के नाम से जानते हैं। और बाकी जितने हो गए एरे वो क्या कहलाएंगे आपके, सेकेंडरी एंटीना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखिए डायरेक्शनल डायरेक्शनल एरे, ये जो तीन रिमेनिंग है वो क्या है हमारा, तो डायरेक्शनल एरे, डायरेक्शनल एरे मैंने बताया किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल में सिग्नल को जितना ट्रांसमिट करने का वो जो प्रॉपर्टी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिविटी। और इसी डायरेक्टिविटी को कंडक्ट कराने का काम कौन करता है, तो यही तीनों जो है आपका डायरेक्शनल एरे। ठीक है, इसको हम लोग पैरासिटिक एरे के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे जितने भी पॉइंट में बता रहा हूं वो ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। रिफ्लेक्टर में, ये एक रिफ्लेक्टर क्या है, तो रिफ्लेक्टर हमेशा इस सोर्स के, सोर्स एलिमेंट के ड्रिवन एरे के आगे होगा, और इसका साइज क्या होता है, तो इस ड्रिवन वाले से बड़ा होता है, ये ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव के भीड़ से। ठीक है, इस वाले जो आपका एंटीना है, यागी एंटीना है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, तो 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक। ये VHF UHF में यूज किया जाता है, TV रिसेप्शन में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग लीनियर एंटीना कहते हैं, लीनियर एरे एंटीना के नाम से भी जानते हैं। लीनियर एरे एंटीना क्यों, क्योंकि ये देखिए लीनियरली एक के सीध में ये सारा एरे कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर एरे एंटीना के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, तो यूनिडायरेक्शनल होता है, इसीलिए इसकी डायरेक्टिविटी क्या होती है, तो हाई होती है। डायरेक्टिविटी वह प्रॉपर्टी है जिसके मदद से कोई एंटीना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल में ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को सेंड कर पाता है, ट्रांसमिट कर पाता है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है यूनिडायरेक्शनल है, ये हो गया। सेकेंडरी एंटीना, तो सेकेंडरी एंटीना ये जैसे ये एक्टिव एलिमेंट था जो इसके साथ सोर्स को कनेक्ट कर रहे थे, तो इसको हम लोग प्राइमरी एंटीना कह रहे थे। बाकी रिमेनिंग एरे को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी एंटीना के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिमेनिंग एरे को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी एंटीना के नाम से जानते हैं। और इसी एंटीना को हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्या, तो यागी उडा एंटीना के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स आपको इसका जवाब देने में या फिर ऑब्जेक्टिव में ये बहुत काम आने वाला है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी रेंज, VHF, UHF, सेकेंडरी एंटीना, इसके लिए कौन सा होता है, प्राइमरी एंटीना क्यों होता है, क्यों उसको प्राइमरी एंटीना कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ये कैसे वर्क करता है, तो इसको सोर्स के, प्राइमरी एंटीना को ड्रिवन एरे को हम लोग सोर्स देते हैं, सोर्स देने के कारण से वो क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से ये पर्टिकुलर जो एरे है वो क्या होते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन हो जाता है, उसके कारण से मैग्नेटाइज हो जाते हैं और ये अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन और ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में जाना। चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। तो क्या होता है यागी उडा एंटीना विथ 3 एलिमेंट, क्या हुआ है, तो इस यागी एंटीना में हम लोग देखा कि 3 तरह के एलिमेंट कनेक्टेड है। जैसे कौन, तो 1 रिफ्लेक्टर, ये जो फर्स्ट वाला है ये इससे बड़ा होता है साइज में, और ये किस तरह से काम कर रहा है, तो रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रहा है। 1 डायरेक्ट ड्रिवन एलिमेंट, तो ये आपका जो सोर्स जिससे कनेक्टेड है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ड्रिवन एरे कह रहे हैं। और ये किस तरह से वर्क कर रहा है, तो ड्रिवन एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। उसके बाद है डायरेक्टर, तो ये जो ये 3 एरे हैं वो क्या है आपका, तो डायरेक्शनल एरे की तरह वर्क कर रहा है, और इसको हम लोग डायरेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका गेन कितना होता है, तो 7 to 8 decibel होता है। इसका वेट है जो कि लाइट होता है, मतलब कि कम होता है, इसका जो वजन है लो कॉस्ट है, और ये सिंपल फोर फेडिंग, इसको जो फेड करने का मतलब कि सोर्स जो देने का जो है वो प्रोसेस जो है एकदम इजी है, सिंपल है। ठीक है, तो ये सारा इसका एडवांटेज हो गया। उसके बाद यागी एंटीना आर कॉल्ड सुपर डायरेक्टिव और सुपर गेन एंटीना, इसका गेन जो है बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए इसको हम लोग सुपर गेन एंटीना के नाम से भी जानते हैं।
और इसको हम लोग सुपर डायरेक्टिव एंटीना के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्टिविटी होती है डायरेक्शनल एरे के कारण से बहुत ही अच्छी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको वीवीआई पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यागी उडा एंटीना के बारे में जाना। तो मैं बता दूं ये 4 नंबर और 6 नंबर ये हमेशा याद रखिएगा। 4 नंबर में भी आ सकता है कि राइट द एडवांटेज ऑफ यागी उडा एंटीना, या फिर आपका इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिस्क्राइब द एंटीना यूज्ड इन टीवी रिसीवर, इस तरह से आएगा। तो वहां पे वो आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, या गेन टू ना का आपको करना है तो आपको याद रखना होगा ये जो रिसीविंग का काम किया जाता था पहले वो यागी उडा एंटीना की मदद से ही किया जाता था, तो उसमें आपको यागी उडा एंटीना के बारे में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यागी उडा एंटीना के बारे में जाना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एक टर्न स्टाइल एंटीना है जिसका हम लोग को एग्जाम में लिखने के लिए आता है, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे डिटेल में एंटीना के बारे में नहीं बता रहा हूं, वो सारा हम लोग रेडियो एंड टेलीकोम्युनिकेशन में जो पढ़ेंगे एंटीना, तो वहां पे ज्यादा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसका सही ढंग से जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिए, इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको याद रखना है, ये हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। यहां से जो ऑब्जेक्टिव बनते थे वो मैंने आपको बता दिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसको एक एक पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा कि ड्रिवन एलिमेंट क्या होता है, रिफ्लेक्टर क्या होता है, उसका साइज उसके कंपेरिजन में क्या होता है, आपका ये जो है ये कितने फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, ये इसका गेन कितना होता है, इसका आपका डायरेक्ट इसी को हम लोग सुपर डायरेक्टिव एंटीना के नाम से भी जानते हैं। दे देगा ऑप्शन देयर इन विच एंटीना इज ए सुपर डायरेक्टिव एंटीना, और नीचे 4 गो नाम दे देगा, यागी उडा और टर्न स्टाइल और आपका हॉर्न एंटीना और पैरासिटिक एंटीना, इस तरह से आपका दे देगा। तो वहां पे इस तरह ये सब पॉइंट याद रखिएगा तो आपको वर्क करने में आसानी होगा, उससे आंसर देने में आसानी होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको एकदम अच्छे तरह से याद रखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब चलिए आइए हम लोग टर्न स्टाइल एंटीना के बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए हम लोग एक और एंटीना टर्न स्टाइल एंटीना के बारे में जानते हैं। तो ये टर्न स्टाइल एंटीना इज भी क्या है, तो ये भी एरे टाइप ऑफ एंटीना का एक अदर टाइप है जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो टेलीविजन में करते हैं। तो चलिए ये इसके ऐसे मोस्टली ये बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज होता है, फिर आपका मिलिट्री पर्पज से भी यूज होता है, VHF रेंज के और भी कम्युनिकेशन में ये यूज होता है, और फिर ये कहाँ पे यूज होता है तो FM सिग्नल को भी ट्रांसमिट करने में यूज होता है। तो यहाँ पे इसका बहुत वाइडली यूज है। तो ये है टर्न स्टाइल एंटीना, इसी को सुपर टर्न स्टाइल एंटीना में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये सारा वाइडली यूज में कन्वर्टेड हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जाने। तो ये क्या है, तो एक एरे टाइप ऑफ एंटीना का ही ये टाइप है। तो आइए देखते हैं टर्न स्टाइल एंटीना क्या है। तो टर्न स्टाइल एंटीना इज अनदर टाइप ऑफ एंटीना, अनदर टाइप ऑफ एरे एंटीना, छूट गया है एरे एंटीना, ये क्या है एरे एंटीना का ही एक अनदर टाइप है जिसको हम लोग टर्न स्टाइल एंटीना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, एरे जो है ये इसको हम लोग हाफ डाइपोल के भी नाम से जानते हैं। क्यों इसको डाइपोल कहते हैं, तो इसको इसका जो वेवलेंथ जो होता है वो कितना होता है, लेमडा बाई टू, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ डाइपोल के भी नाम से जानते हैं। तो इसको एक पेयर में कनेक्ट किया जाता है, कहने का मतलब ये हमेशा ये क्या होगा, पेयर में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक कह रहे ये और ये कह रहे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये हो गया, फिर यहाँ पे हो गया। तो ये सारा एंटीना आप लोग किसी थाना वगैरह ये सब में गए होंगे, जैसे मान लिया जाए देखने को वहां पे मिलेगा आपको, तो थाना वगैरह ये सब में इस तरह का एंटीना आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो वाइडली यूज करते हैं हम लोग, मिलिट्री पर्पज से यूज करते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, तो वही वाला फ्रीक्वेंसी रेंज में ये भी वर्क करता है जो कि यागी उडा एंटीना में वर्क करता था। तो ये 30 MHz से 3 GHz तक ये कहाँ बिलोंग करता है, तो VHF UHF बैंड में बिलोंग करता है इसका फ्रीक्वेंसी बैंड। और द डाइपोल आर एग्जैक्टेड 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर, और ये जो डाइपोल्स होते हैं अगर ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, कनेक्ट मतलब सेम साइज का नहीं है, तो ये क्या होता है, आउट ऑफ फेज इसको दिया जाता है, एक दूसरे से आउट ऑफ फेज
जो हमारा सिग्नल दिया जाता है, जो हम वायर के मदद से इसको सोर्स देते हैं, वो एक दूसरे से क्या होता है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। उसके बाद कह रहा है कि टू आइडेंटिकल हाफ वेव डाइपोल्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड आर फेड इन फेज। अगर दो आइडेंटिकल सेम साइज का वो अगर इसके साथ हाफ वेव डाइपोल एड किया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं इन फेज, दोनों को जो हम लोग फीडिंग करते हैं वो क्या करते हैं तो फेज में ही करते हैं, ठीक है। उसके बीच में आउट ऑफ फेज 90 डिग्री नहीं होता, वो सेम फेज में अप्लाई किया जाता है। और ये बे पेयर ऑफ डाइपोल, ये जो पेयर ऑफ डाइपोल है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो बे कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इसका वेवलेंथ कितना होता है तो लेमडा वाई टू, इसलिए इसको हम लोग हाफ डाइपोल के नाम से भी जान रहे थे। ये नॉर्मल, ये दो मोड में वर्क करता है, एक नॉर्मल मोड एक एक्सियल मोड। तो नॉर्मल मोड में क्या होता है ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होता है और एक्सियल मोड में ये सर्कुलर पोलराइज्ड होता है, ठीक है। और ये जो हमारा एंटीना है वो क्या होता है तो इस एंटीना को हम लोग सुपर टर्न स्टाइल एंटीना में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इसमें ये यहाँ पे दो डाइपोल का यूज हो रहा है, ये दो डाइपोल से और भी ज्यादा कर दिया जाता है तो ये सुपर एंटीना में कन्वर्टेड हो जाता है। और इसका यूज हम लोग सेटेलाइट कम्युनिकेशन, आपका FM और टीवी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह इस समय यूज कर लेते हैं। फिर आपका VHF रेंज के और भी एप्लीकेशंस कम्युनिकेशन पर्पस उसमें यूज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग वाइडली यूज कर लेते हैं। तो इसका डिटेल आप लोगों को PDF वगैरह इस समय और अच्छे से बताया हुआ है, जिसमें फिगर तो यहाँ पे मैं बना नहीं पाया लेकिन फिर भी अपने तरफ से कोशिश किया कि किसी तरह से बनाऊ। तो ये फिगर भी आप लोग को वहां पे देखने को मिल जाएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी थाने वगैरह सबसे निकट से गुजरिएगा तो देखने को ये आपको ये एंटीना मिल जाएगा। यागीउडा एंटीना आपको कहाँ पे मिल जाएगा तो यागीउडा एंटीना आप लोग को आप लोग के गांव वगैरह ये सब अभी भी होंगे तो वहां पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। या फिर आप लोग देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, ये सारा एंटीना आप लोग को जगह जगह पे कभी ना कभी आप लोग को देखने को जरूर मिला होगा। सिर्फ आप गौर करने की बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एंटीना के बारे में, यहाँ से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीना टेलीविजन इंजीनियरिंग में हमेशा आते थे क्वेश्चन सेमेस्टर में, तो एक टर्न स्टाइल एंटीना और एक यागीउडा एंटीना, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने जाना। और इसके बारे में ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टर्म ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने एंटीना के बारे में जान लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने थर्ड यूनिट टीवी ब्रॉडकास्टिंग का यूनिट समाप्त हो गया, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा ट्रांसमीटर और रिसीवर किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, फिर उसमें ट्रांसमीटर का प्रोसेस क्या है, रिसीवर का प्रोसेस क्या है, ये तो मैंने पहले भी बताया था तो उसको मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना एंटीना के बारे में, एंटीना किस तरह से बेसिक रूप से वर्क करता है। और उसके बाद हम लोगों ने टर्न स्टाइल और यागीउडा एंटीना के बारे में जाना। तो इस तरह से हमारा थर्ड यूनिट समाप्त हो गया। तो आप लोग इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे हम लोग को एक रिस्पॉन्स मिल सके कि क्या हमारा आप लोग को इसका लुत्फ उठा रहे हैं या नहीं, आप लोग को फायदा हो रहा है कि नहीं। और चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।